अभी हम बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के जयपुर गांव में खड़े हैं। ये एरिया हॉली पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। हमारे साथ दरवेश हैं और सर्वेश हैं। इनकी मदर जिनका नाम कुलसुन निसा है, इनकी एज अराउंड 60 है। इनको 2015 में डाउटफुल वोटर के कैटेगरी में इनका नाम रखा गया और इनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। इनका ये एलिगेशन है कि इनके जो फादर थे वो उस ट्रॉमा को झेल नहीं सके और उनकी डेथ हो गई। इनका ये भी कहना है कि एक बार इन्होंने एसएसपी से परमिशन ली थी, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है यहाँ पे, ताकि वो अपनी वाइफ से एक बार जेल में मिल सकें, लेकिन जिसकी एसपी ने वो परमिशन भी दी लेकिन उसको फाइनली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पंचायत सर्टिफिकेट है और जो गांव बुरा है ना, मुखिया, गांव के मुखिया के सर्टिफिकेट है। उन्होंने एज प्रूफ दिया होगा, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट है? कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट गांव वालों का कौन सा? सडनली एक इंसान जो सदियों से कई खानदान कई पुश्त इस इलाके में रह रहा है, अचानक से एक इन्वेस्टिगेशन होती है और उसको डाउटफुल सिटीजनशिप की कैटेगरी में रख दिया जाता है। जो खाना देता है उसको कुकुर नहीं खाता। अच्छा, वो नहीं खाना, बहुत खराब है। डाउटफुल होता है, डी वोटर जो होता है डाउटफुल, उन लोगों के ऊपर केस होता है। वो केस में मतलब अब वो अरेस्ट नहीं करने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील किया था, वहाँ से उन लोगों को बेल मिला है। ये जयपुर गाँव का ही है। आपका क्या नाम है? शारदा बेगम, शारदा खातून। आपको कब नोटिस मिली, कब डी वोटर डिक्लेयर? 2007 से इन लोगों को नोटिस मिला है। और डी वोटर कब डिक्लेयर है? वही से 2007 में। 7 से ही कर लिया। इनको भी, इन्होंने भी स्टे लिया हुआ, बेल लिया हुआ है? ना, बेल नहीं लिया है। एक बार बरपेटा कोर्ट में अप्लाई किया था, वहाँ से बेल नहीं मिला, इसे अभी छुप के रह रहा है। Their wives have been declared D voters. They are part of women who are languishing in detention camps. ये आयन अली हैं, ये उनके बेटे हैं। क्या नाम होता है आपने? मुमरस अली। मुमरस अली, आयन अली पिछले कई सालों से वोट देते आए हैं। इनका जो नाम है वो 1997 से पहले जितने भी वोटर लिस्ट, रिवाइज वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है सब में उसका उनका नाम है, लेकिन 1997 का जो रिवाइज वोटर लिस्ट आया है उसमें आप देख सकते हैं इस नंबर पे ये आयन अली है, जिसके सामने पेन से डी लिखा गया है, यानी इनको डाउटफुल वोटर डिक्लेयर कर दिया गया 1997 में। तो 1997 के बाद से जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें आयन अब इंडियन वोटर नहीं है। इनको एनआरसी में जाके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, वहाँ पे अपना केस को साबित करना पड़ेगा, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा थ्रू देयर पेपर्स। मोर नाम मोहनल तालुकदार, मोर भनी शोभा खातुन, देवतार नाम भारक तालुकदार। আজি দমাদরি ডিটেকশন ক্যাম্পত আছে, আমি বহুত কষ্ট করি আছো এই বনির কারণে। আমার বনির গোটেখিনি ডকুমেন্টস আছে, সকল আছে, দেউতার এনআরসি আছে, 66ত নাম আছে, 70 নাম আছে, 1997তো নাম আছে ভোটার লিস্টত। থাকার পিছতো আমার বনিক মানে আজি বাংলাদেশী ফরেনার হিসাবে ঘোষণা করেছে। আরে ভাই, মে জেনুইন হুম, মে আপিল মে যাওঙ্গা, কিউ কিউ যাওঙ্গা, যা আপিল কিউ পাইলে সোচুঙ্গা, মে ইসমে হক হক দিলা না হামকো, হামারা সাথ সারা সার বেমানি হো রহা হ্যায়, হাম উসকো কিউ কারেক্ট নেই কর সকতা। আব ইয়াহা পে এক বহুত इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी वोटर के कैटेगरी में अगर किसी का नाम आता है, इसका मतलब वो नहीं है कि डी वोटर जो डाउटफुल वोटर कैटेगरी है,
it is not something which makes a person foreigner. D voter just means that the authorities have doubt and on his on him being an Indian, so they put someone in D voter category. और उनको कहा जाता है कि आप relevant papers लेके आइए. Burden of proof accused के ऊपर होता है और आप साबित कीजिए कि आप Indian national हैं. तो D voter just एक doubt है और आप डाउट के बेसिस पे किसी को डिटेंशन कैंप में डाल दे रहे हैं इनह्यूमन कंडीशन में जीने के लिए. डिटेंशन कैंप अगेन फुल फ्लेजेड जेल नहीं है, टेक्निकली दैट इज़ नॉट जेल, बट जेल से बुरी हालत है डिटेंशन सेंटर की, इसलिए कि जेल में प्रिजनर्स को प्रिजनर्स राइट होते हैं, डिटेंशन सेंटर में वो डिक्लेयर्ड प्रिजनर नहीं है, इसलिए प्रिजनर्स राइट भी नहीं है. আমার নাম কালীপদ দাস. আমার চলিত ভোটে মানে নোটিশ আইল, নোটিশ আসার পরে আমি ডিগ্রি পেলাম 10-15 বছর আগে. আবার ইয়ার পরে এই 6-7 মাস ধরে আমার বাবার নামে, আমার ছোট ভাইয়ের নামে আবার নোটিশ দিয়েছে চলিত ভোটে. আবার কেস চলতেছে বর্তমান 6-7 মাস ধরে. इन्हें 15 साल पहले नोटिस आई थी और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, वो कोर्ट तक केस गया, केस फाइनली जीता और इनको फाइनली सिटीजनशिप मिली. और उसके बाद, उससे पहले भी ये वोट देते रहे, उसके बाद भी अब भी वोट दे रहे हैं. लेकिन केस इंटरेस्टिंग ये है कि इनके फादर को आज से 9 महीने पहले इनके फादर को नोटिस मिलती है और उनको कहा जाता है कि आप आएँ और आप इंडियन हैं, इंडियन वोटर हैं, इसका सबूत दीजिए. आपका नाम? आपका नाम? हरिदास. 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 हाँ. हरिदास है. हरिदास वाले जो डी आए. हाँ, ठीक है. तो क्या हुआ आपका, आपको डी कैटेगरी में कैसे रख दिया, क्या हुआ, क्या तब मैंने आगे बुद्धिसी एने है 97 बुद्धिसी 3 साल बाद এই এনে এই বালার বিটাই সিবা দে এই ডি মারছে আর বুদ্ধি হারি না নোটিশ আহে নাই কেবার ভোটিং কাট চুকে হে জব সে বালা বিটা মে আয়ে হে তব সে হামে ডি ভোটার ডিক্লেয়ার কিয়া গয়া তব সে হাম ভোটিং নাই কর পা রে আগের কাগজ আছে আমি যে শৌরাসর পাছার ভোট দিছি আমার ফলিকবি মন্ত পানি না আছে আমার নাম বুদ্ধ সরদার আপকো কব ডি ভোটার মে রাখা দেবো না আমার চলতি ভোটার মধ্যে আইছে আমি ভোট দিয়ে আছে रनिंग वोट दे ही रहे हैं, सिर्फ नोटिस आया है अब तक. तो इनको डी वोटर किया गया और इनका वोट अभी लिस्ट में है, सिर्फ नोटिस आया है. ये अभी करेंट वोटर लिस्ट में भी इनका नाम है जहाँ डी लिखा हुआ है और इनको बोला गया आप प्रूव करो कि डाउट कि आप सिटीजन हो. अभी हमारे साथ हरिदास और बुधेश्वर दास हैं, ये दोनों राजवंशी हैं जो कि यहाँ पे जनरल हिंदू कास्ट है. इनकी पूरी फैमिली और ये सालों से वोट, इन्होंने 1993 तक वोट किया है. पूरी फैमिली इनकी पूरी एंसेस्ट्रल फैमिली ने वोट किया है, इनके पेरेंट्स वोट करते हुए आए हैं. अभी जब ये 1997 में वोट देने गए तो उन्हें पता चला कि ये वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके नाम को डी कैटेगरी में रखा गया है. यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो इलेक्टोरल रोल है असम में एक फॉर्मेडेबल डॉक्यूमेंट है, वही सब कुछ है. तो इनके नाम को अचानक से इनकी उम्र कितनी उम्र है आपकी? 56 साल की उम्र हो गई. और जब 18 साल के बाद इन्होंने वोटिंग करना शुरू हुआ होगा से लेके आज 56 साल तक ये वोट कर रहे थे, 1993 तक वोट किया है, लेकिन अचानक से इनके वोटिंग राइट सीज कर लिए गए, इनको डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया गया. And this is a discrimination. We stated that this is the discrimination, and that this discrimination should not be happening in future. Therefore, as per provision of the Assam Accord, the constitutional safeguard should be given to the people of Assam and entire Northeast. And you know that the dead people, those peoples are, you are not able to find in the Nokraina, not a single house you are able to find. They migrated
to the Assam, West Bengal and Tripura. They are not staying there. Therefore, this will be created a lot of trouble for Northeast, and the indigenous people will be going to become the minority, as like Tripura. Same thing may be happen as like J&K. Same thing may be happen. Debutor notice prothome keti aisil. Keti a mane aisil bhale dini aisil arki. To tokhon running choli. Gadi mein bata de raha hum log. Baat kar lo gadi mein. Running choli aisil. Choli aisil. Acha. Itya loizor pisot apna loke dekha kori se nikhi koi. Haan kisu. Kisu kisu. Ek am. Dekha kori bolii. Haan kisu. Acha. Ukil le ki koi se apna. Ukil ekhon kam kine hobo bolii koi. Koi se mane detention. Acha. Detention ta ekhon. Acha. আচ্ছা আপনার সব কাগজপত্র ঠিকই আছে একদম ওতে জমা দিয়ে দিছো কাগজপত্রও রেডি আছে হ্যাঁ মানে না তো আচ্ছা আপনার ওয়াইফে ভোট দিয়েছিল নাকি হ্যাঁ ভোট দিয়েছে ভোট দিয়েছে রানিং ভোট রানিং ভোট ছিল সো ফার আই নো দ্যাট দুরহাট ট্রাইব্যুনাল কোর্ট হ্যাভ ডিক্লেয়ারড অ্যাট লিস্ট 8000 পিপলস ফ্রম দুপি এন্ড গোলপারা অ্যাজ এক্সপার্ট ফরেনার্স And evening we have come to know about it, but for the matter of appeal, if anyone desire to have the copy of judgment by legal procedure, but copy is not available there. The role of the UDF in respect of the NRC and devotar and the current problems of the minority community is quite zero. Because they are not hesitating any matter, they are not placing any matter in respect of the safeguard of the minority communities. But they are elected by the vote of minority communities. नौ नवंबर 2016 को ये कोर्ट हियरिंग अटेंड करने जा रही थी उसी बीच में इनको अरेस्ट किया गया और यहाँ के कोकराझार जहाँ औरतें हैं डिटेंशन सेंटर में कोकराझार के डिटेंशन सेंटर में जो कि वुमेन ओनली डिटेंशन सेंटर है वहाँ इनको लॉज कर दिया गया इनके साथ एक मामला एक चौंका देने वाला फैक्ट ये था कि ये उस टाइम प्रेग्नेंट थीं और ये जो बच्ची अभी इनके गोद में आप देख रहे थे इसी बच्ची की डिलीवरी जेल में हुई थी फर्स्ट 1938 का फर्स्ट जनवरी फर्स्ट कार्ट ऑफ ईयर बनाया हुआ था 1938 का पहले जो लोग आ गया था उस लोग को हम लोग रखेंगे और 38 का फर्स्ट जनवरी के बाद जो लोग आया है इस लोग को हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ ईयर आजकल जो 71 है ये फर्स्ट कट ऑफ ईयर 1938 में लगाया हुआ था इसका पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को आप लोग देखना पड़ेगा हाँ तो इसीलिए मैंने बता दिया देख लीजिए 1937 से हम लोग का पॉलिटिक्स शुरू हो गया था मिडिल क्लास ये पावर में आ गया था 1937 ये बहुत बड़ा चीज़ है कि माइग्रेशन और पक्ष और विपक्ष में ये पॉलिटिक्स शुरू हो गया था इसके बाद 67 तो कांग्रेस माइग्रेशन का खिलाफ था 47 से जो गवर्नमेंट आ गया है हम लोग का इंडिपेंडेंट इंडिया का जो गवर्नमेंट आ गया है तो उस लोग का पॉलिसी डिसीजन था कि हाँ हम लोग माइग्रेशन का खिलाफ लड़ेंगे एंटी माइग्रेशन पॉलिसी था तो क्या हुआ 67 तक कांग्रेस ने इसका खिलाफ किया था और इसीलिए असम इस मिडिल क्लास कांग्रेस का साथ था 1967 में ऑल इंडिया मुस्लिम लोगों ने कांग्रेस का खिलाफ वोटिंग किया था जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था 1967 में इसका खिलाफ मुस्लिम लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था तो इसीलिए कांग्रेस ने 1967 में प्रो मुस्लिम स्टैंड लेने के लिए एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया था जब 1967 में वोट मुस्लिम स्टैंड ले लिया कांग्रेस असम इज मिडिल क्लास कांग्रेस का हाँ जो साथ था ना छोड़ दिया हाँ और
1970s में आप लोग जानते हो ये असम मूवमेंट का पूरा बेकम आ गया है 79 से 85। तो ये गवर्नमेंट भी माइग्रेशन का ऊपर बनाया था 1985। इसके बाद UMF बोल के मुस्लिम लोगों का एक पार्टी बनाया था, ये भी माइग्रेशन का ऊपर है, AGB भी माइग्रेशन का ऊपर है। इसके बाद कांग्रेस ने जो वोट दिया था ये भी माइग्रेशन का खेल दिखा के ही वोट लिया था। इसके बाद जब बदरुद्दीन अजमल जी आ गया है वो भी पूरा PIDF जो बोलता है ये भी माइग्रेशन का ऊपर है, और इस टाइम जो BJP गवर्नमेंट आ गया है ये भी माइग्रेशन का ऊपर आ गया है। इसीलिए बोलता हूँ कि असम का जो पॉलिटिक्स है ये माइग्रेशन का ऊपर सुन रहा है।